डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स ऑफ क्लास 12th, वेलकम इन SNS मैथ्स क्लास। हम लोग आज क्लास 12th मैथमेटिक्स लर्न कर रहे हैं, और इसके पहले मैट्रिसेस से कुछ वीडियोस अपलोड ऑलरेडी किया हुआ है। सो उसी को कंटिन्यूटी में आगे बढ़ते हुए क्या कर रहे हैं कि आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक डिस्कस करेंगे। और NCERT बुक में, एज फार एज NCERT इज़ कंसर्न, मुझे लगता है कि NCERT बुक्स में जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो मिसलिनियस एक्सरसाइज। NCERT की मिसलिनियस एक्सरसाइज मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उस मिसलिनियस एक्सरसाइज में क्या है कि हमारे पास ना कुछ सिलेक्टेड अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, मैट्रिसेस टॉपिक में जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, उसी चैप्टर नंबर 3 की मिसलिनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले। सी, मिसलिनियस एक्सरसाइज में देर आर 15 क्वेश्चंस, टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। तो सारे 15 क्वेश्चंस तो हम लोग यहाँ पर नहीं सॉल्व करेंगे। सो क्या करेंगे, उसको हम लोगों ने 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जिन्होंने उन एक्सरसाइज को करने की कोशिश की होगी, तो मिसलिनियस क्वेश्चंस में एक पोर्शन तो है जहाँ पर हम इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा सेक्शन हमारा है जिसके अंदर क्वेश्चन जो है मुझे वो सिमेट्रिक और स्किव सिमेट्रिक को बेस करके बनाए गए हैं, और थर्ड सेक्शन जिसके अंदर अदर मिसलिनियस क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट वीडियो में हम इंडक्शन बेस्ड क्वेश्चन को लर्न करने जा रहे हैं। सो यहाँ पर हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन पे बेस एक्सरसाइज है वो, और ये आपका चैप्टर 3 मिसलिनियस एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहा है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज, और हेयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी है कि लेट ए इक्वल टू ए गिवन मैट्रिक्स है, और हमें ये शो करना है। सी, एन की इन्वॉल्वमेंट है, तो हमें पता है कि हम एन टाइम तो भाई मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये तो निश्चित है। तो क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन को इंडक्शन मेथड में ही मुझे यूज़ करना होगा। अब इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन आप बिना इंडक्शन के, सी आप इस जो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो पावर एन है, अभी पावर एन कैसे वही कैलकुलेट होगा। इस पावर एन को कैलकुलेट करने के लिए तो मेरे पास वही टेक्निक है नहीं, अभी आप बाइनोमियल तो यूज़ होने से रहा। तो इंडक्शन मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। और इंडक्शन मेथड में क्या करते हैं कि हम इसको पहले, लेट अस राइट डाउन द स्टेटमेंट, जो हमारी स्टेटमेंट है उसको हम लोग लिख लेते हैं। सो द स्टेटमेंट, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट हो गया ए आई प्लस बी ए पावर एन, और ये इक्वल हो गया ए पावर एन आई प्लस एन ए टू पावर एन माइनस वन बी ए, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। इंडक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ना n इक्वल टू 1 के लिए स्टार्ट करते हैं ना। पहला हमारा मेथड है कि हम क्या करें कि n इक्वल टू 1 के लिए स्टार्ट करें। सो हमने क्या किया, फर्स्ट लिखा हमने 4 n इक्वल टू 1। अब n इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और राइट हैंड साइड लिखेंगे, और चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है। ओके, जब n को आप 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, इट विल बी ए आई प्लस सिंपली बी ए। और राइट हैंड साइड क्या होगा, जब आप n को 1 पुट करेंगे तो हो गया ए आई, है ना, यहाँ n है a, n को हमने 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 बी ए। अब a टू पावर, यानी इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, ओके इट इज दिस, हेयर वी हैव n, ओके अब बताइए a टू पावर 0 यानी 1 हो गया, सो n बी ए, है ना, एन, ओ एन को तो 1 पुट किया हमने, एन तो हमारा 1 है ना, तो इस एन की जगह पर 1 आ जाएगा, तो एन खत्म हो गया, ए आई प्लस बी ए विच इज सिंपली द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, यानी एन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। ओके, एन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि अब हमें क्या करना है कि 4 हम एन इक्वल टू एन के लिए इसको ट्रू एज्यूम करेंगे ना, यही मेथड है, याद करिए क्लास 11 का मैथमेटिकल इंडक्शन क्या करते थे वहाँ पे, कि सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते थे, और हम सपोज करते थे कि लेट इट बी ट्रू फॉर, हम क्या एज्यूम करते थे कि लेट इट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू m, n इक्वल टू m के लिए सही है।
अब अगर ये n इक्वल टू m के लिए सही है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा ए आई प्लस बी ए टू पावर m इज इक्वल टू ए टू पावर m आई प्लस m, है ना, जहाँ जहाँ n है वहाँ m पुट कर लेना है, ए एम माइनस वन बी ए। यानी जब ये एन इक्वल टू एम के लिए ट्रू है इसका मतलब जहाँ जहाँ एन है वहाँ एम आ जाना चाहिए। अभी क्या करना है इसके बाद, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हम एन एन इक्वल टू एम प्लस वन के लिए ट्रू करना प्रूव करेंगे। सो क्या प्रूव करना है मुझे, टू प्रूव मैं लिख रहा हूँ, यानी मुझे क्या अब शो करना है, क्या प्रूव करना है, मुझे शो करना है कि ए आई प्लस बी ए होल पावर एम प्लस वन जो है वो इक्वल होगा ए टू पावर एम प्लस वन आई प्लस हेयर वी हैव एम प्लस वन ए टू पावर एम प्लस वन माइनस वन एम हो गया बी ए। ये मुझे प्रूफ करके लाना है। ओके तो क्या करना है कि यहाँ के लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना, है ना। हम सिंपली यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को जैसे ही लिखेंगे तो क्या बन जाएगा ये, सो आई एम राइटिंग हेयर ना, हमने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया। ओके लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए आई प्लस बी ए। अब यहाँ पर जो एम प्लस वन है ना, एम को मैंने अलग कर दिया और बाकी को मैंने अलग लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड में अब देखिए एम प्लस वन है ना, तो क्या कर रहे हैं, एम को अलग लिख दे रहे हैं और वन को अलग लिखेंगे। अब ये तो एम, ये यहाँ से ये जिसके इक्वल है उसको सब्स्टिट्यूट कर दें, किसके इक्वल था, ए टू पावर एम आई प्लस एम ए टू पावर एम माइनस वन बी ए। ओके और यहाँ आ जाएगा आपका ये ए आई प्लस बी ए। अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन, सिंपल कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। सो ए एम प्लस वन आई इंटू आई, आई इंटू आई क्या होगा, आई स्क्वायर, नहीं आई रहेगा ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस यहाँ आता है, हमने एम लिखा, ए को हम ए आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सी जब कोई मैट्रिक्स है ना तो आई उसका आई का कोई रोल नहीं रहता है, आई ए मतलब ए। अब बी ए से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको वापस, तो ए एम आई बी ए, आई का कोई रोल नहीं है, मैंने लिख दिया कोई बात नहीं। प्लस नाउ एम ए टू पावर एम माइनस वन और ये हो गया बी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर। यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे कि ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर इसको क्या लिखना है ना, बी स्क्वायर ए स्क्वायर को क्या लिखना है। ओके थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें पहले इसको, आगे लिखने से पहले ए एम प्लस वन आई, ओके प्लस इन दोनों में ए टू पावर एम कॉमन है, बी ए कॉमन है ना, तो क्या आ जाएगा, एम प्लस वन आएगा, सी हो गया एम प्लस वन ए टू पावर एम बी ए। ओके अब ये जो टर्म, एक एक्स्ट्रा टर्म नज़र आ रही है, एम ए टू पावर एम माइनस वन बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर, नहीं ये टर्म एक्स्ट्रा नज़र आ रही है ना। अब देखो इस टर्म का क्या करना है, हमें ए गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, है ना, हमें इस क्वेश्चन के अंदर, जस्ट मिनट जस्ट मिनट, हमें इस क्वेश्चन के अंदर ए गिवन है और वो कहाँ है, ये ऊपर है ना, जब आप क्वेश्चन पे जाएंगे सबसे ए गिवन है, जब ए स्क्वायर कैलकुलेट करने जाएंगे तो ए स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि एक ए 0010 और ये दूसरा ए 0010। नाउ यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई ना, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है ना, बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करिए और चेक करिए क्या आ रहा है। सो ए स्क्वायर इज ए जीरो मैट्रिक्स, है ना, ए स्क्वायर हमारा जीरो मैट्रिक्स है, यानी ये हमारा जीरो मैट्रिक्स होने वाला है ना, यानी इसका रोल जीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अगर, तो जैसे इसका रोल ख़त्म हो गया सो ए एम प्लस वन,
अभी मैं एक चीज़ और यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अगर अगर ऐसा लगता है ना कि ये तो ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को यहाँ रहना चाहिए, है ना? ओके, लेट अस राइट इट फर्स्ट ना, पहले हम लिख लेते हैं, फिर आते हैं उस कॉन्सेप्ट पे कि हमने ए स्क्वायर को जीरो मैट्रिक्स को, तो इसको हमने हटा क्यों दिया? ये कहाँ से आया है? एक बार दोबारा आ जाइए, ये टर्म था, ये टर्म किन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया है? इस बी ए को इसके साथ ना, है ना, इस बी ए को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, राइट? इस बी ए को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। सी अगेन, अब अगर ये जीरो मैट्रिक्स है ना, ये एक मैट्रिक्स है जो जीरो मैट्रिक्स है। अभी इस जीरो मैट्रिक्स को आप जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये फिर जीरो, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है। तो जब जीरो मैट्रिक्स को मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूँ तो सारा जीरो हो जाएगा। उसके बाद अगर हम किसी में ऐड करेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा ना। तो इसका मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सिंपली इग्नोर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। क्यों हमने इसको छोड़ दिया? मुझे ये कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ क्या कर रहे हैं हम? जो ए स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर हमारा जीरो है, ए स्क्वायर के बाहर में जो भी लिखा हुआ है सब के सब कांस्टेंट है। तो किसी कांस्टेंट से जब आप जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली जीरो आने वाला है। अब उस मैट्रिक्स को आप किसी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो उससे उस मैट्रिक्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन में क्या किया हमने, हमने सिंपल इंडक्शन मेथड को अप्लाई करके हम सॉल्यूशन तक पहुंचे। आइए और क्वेश्चन देखते हैं कि और भी कोई क्वेश्चन इंडक्शन का है। देयर इज अनदर क्वेश्चन नंबर टू है आपके एक्सरसाइज का, और ये भी इंडक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अगेन इस क्वेश्चन में ए एक मैट्रिक्स गिवन है हमें, और हमें प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कि हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया 4n=1 से, नहीं n n इक्वल टू वन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए पावर वन हो जाएगा। और सी यहाँ पर मैं एक ही टर्म एक टर्म को लिखूंगा और वहीं से क्लियर करेंगे। एन को जब हम वन पुट करेंगे तो 3 to power 0, ये सब में 3 to power 0 बन रहा है, और 3 to power 0 जो है 3 की पावर में अगर हम 0 लिखेंगे तो क्या आने वाला है, यू विल गेट 1 1 1, राइट? क्या करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट एज्यूम करते हैं कि लेट इट बी ट्रू फॉर n=m। तो अगर ये n=m के लिए ट्रू है तो a to power m क्या बन जाएगा, 3 m-1 ना, हाँ यस, 3 m-1, 3 m-1, यानी एक जैसी टर्म है पूरे में, 3 m-1, 3 m-1, 3 m-1। लिखने वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, भले ही क्वेश्चन देखने में अजीब सा लगे, बड़ा सा लगे, लेकिन एक्चुअली नहीं है। क्या प्रूव करना है लिख लीजिए, है ना? मुझे क्या प्रूव करना है इंडक्शन के लिए, मुझे प्रूव करना है कि ए एम प्लस वन जो है, यानी अब एम प्लस वन पुट करेंगे तो 3m, 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 यानी बस इस तरह के टर्म्स आपको मिल जाने वाले हैं, है ना? यानी ये मुझे प्रूव करना है। इसके लिए क्या करना चाहिए मुझे, इस लेफ्ट हैंड साइड से मैं स्टार्ट करूँगा, और a to power m+1 को हम लोग लिख सकते हैं a to power m into a। अब a to power m का मतलब, ओहो, ये फिर मुझे पूरा लिखना पड़ेगा ना। अगर ऐसा क्वेश्चन जब हम लोग अपनी नोटबुक में करते हैं तो एक बड़ा मज़ा आता है, नोटबुक के पन्ने बहुत भर जाते हैं ना। अगर ऐसे 10 क्वेश्चन करें हम लोग तो उस दिन लगेगा कि आज कुछ किया है, क्योंकि नोटबुक के बहुत सारे पेजेस को भर डालेंगे, नहीं? लेकिन जब ये समझ में आ जाए कि वी आर डूइंग ओनली द कैलकुलेशन, नथिंग एल्स, क्या करना है इसको, वन 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 वन, इसे मल्टीप्लाई तो करना और कुछ नहीं है ना। मैं एक मल्टीप्लीकेशन, एक कॉलम की मल्टीप्लीकेशन कॉलम बाय कॉलम से शो कर देते हैं। सी जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 to power m+1, 3 to power, सॉरी m-1 है ये, गलती से मैंने m+1 बोल दिया है, 3 to power m-1। इसमें क्या ऐड होगा, क्योंकि सारे टर्म एक जैसे हैं तो ऑलमोस्ट एक जैसा ही आपको बनने ये आने वाला है, यानी इसी तरह के बाकी टर्म्स आएंगे।
आप एक और मल्टीप्लाई करके देखिए, हर एक जो आपका टर्म है ना वो 3 to power m-1 प्लस 3 to power m-1 प्लस 3 to power m-1। सो इसका तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 into 3 to power m-1, और ये कितना हो गया, 3 to power 1 ना, ये हो गया 3 to power 1। सो इसका मतलब 3 to power 1 को 3 to power m-1 से जब हम कनेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 to power n। सो दैट मीन इन ई एट ईच एंड एवरी प्लेस यू विल हैव दिस, आपको क्या मिल जाएगा, इस तरह का एक टर्म मिल जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि देयर फोर बाय इंडक्शन मेथड इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n, फॉर ऑल नेचुरल नंबर, यानी जो हम प्रूव करना चाह रहे थे वो सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू। ओके, सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। अब वी हैव फ्यू मोर क्वेश्चन रिलेटेड द इंडक्शन, अगर आप देखेंगे तो अभी हमारे पास इंडक्शन से और भी क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन ये है एंड आई थिंक वन मोर इज देयर, टू मोर क्वेश्चन आर देयर, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 12। टोटल 4 क्वेश्चन आर देयर इन दिस एक्सरसाइज, मिसलिनियस एक्सरसाइज रिलेटेड विद मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, क्वेश्चन 3 मुझे कैलकुलेशन बेस्ड लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट, क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का लग रहा है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। ओके, सो आइए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन। हमें क्या क्या प्रूव करना है, ये गिवन है। ओके, ध्यान रखना है ये गिवन है, पहले हमें ये प्रूव करना है और तब हमें ये प्रूव करना है। एन की इन्वॉल्वमेंट है तो हम दोनों के लिए क्या करेंगे, दोनों ही केसेस में हमें इंडक्शन मेथड यूज़ करना होगा। सो फॉर एन इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, ए एन को हमने 1 पुट किया तो बी पावर 1 आ गया, और यहाँ भी एन को हमने 1 पुट किया। ओके, ये गिवन था ना, सो ट्रू, यानी एन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू। ओके, एन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। नेक्स्ट क्या करना है, एज्यूम करना है कि लेट इट बी ट्रू फॉर, लेट इट बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू एम, ये एन इक्वल टू एम के लिए ट्रू है। अब अगर ये n इक्वल टू m के लिए ट्रू होगा तो क्या बन जाएगा, a, ओके हेयर वी हैव b, m होगा, देन वी हैव b, नाउ m हो जाएगा, यानी जहाँ n है वह m पुट कर दीजिए, है ना। अभी क्या करते हैं इंडक्शन में ना, इंडक्शन में मुझे तो ठीक लगता है कि पहले लिख लें कि प्रूव क्या करना है ना, पहले मेंशन कर लें कि हम प्रूव क्या करना जा रहे हैं, यानी m प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव करना है ना। तो m प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव करने का मतलब a b टू पावर m प्लस 1, ये मुझे इक्वल शो कर देना है b टू पावर m प्लस 1 के, ये मुझे इक्वल प्रूव करना है। ओके, तो बस लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हो जाइए, है ना। लेफ्ट हैंड साइड से हमने जो प्रूव करना था उसके लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, और a टू पावर b m प्लस 1। सी, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी टू पावर एम इंटू बी, नहीं, हम ए टू पावर बी पावर एम इंटू बी लिख सकते हैं। अब कहाँ आना है मुझे, मुझे चले आना है इस रिजल्ट पे, है ना, इस रिजल्ट पे। ये तो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है कि ये ट्रू है, तो ए टू पावर ए बी टू पावर एम को, यानी ये ए बी टू पावर एम की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी टू पावर एम इंटू ए। ओके, अब ये ए बी यहाँ आ जाता है, ये ए बी किसके इक्वल है, ये बी ए के इक्वल है, तो बी टू पावर एम में इसको हम बी ए लिख दें, और अब ये दोनों कंबाइंड होके क्या बन जाएगा, बी टू पावर एम प्लस 1 इंटू ए। सो इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू एम प्लस 1, नहीं ये ना प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। सो ये प्रूफ हो गया, इसका मतलब नाउ इट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। अगर ये सही है तो इसका मतलब ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ये ठीक है, करेक्ट है, राइट ना। सो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन अभी हमें इसमें एक और प्रूफ करना है। आर यू गेटिंग व्हाट वी आर डूइंग डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स क्या करके आ रहे हैं कि हम किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए इंडक्शन मेथड में पहले बस थोड़ा सा याद करना है कि व्हाट वी हैव लर्न इन क्लास 11, 11 में क्या पढ़ा हमने। तो 11 में इंडक्शन मेथड में क्या था, एन इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करो, फिर एन इक्वल टू एम के लिए ट्रू एज्यूम करो, और एन इक्वल टू एम प्लस 1 के लिए फिर प्रूव करो। तो जैसे ही एन इक्वल टू एम प्लस 1 के लिए प्रूव हो जाता है तो हम लैंग्वेज लिखते हैं, आई एम नॉट राइटिंग दैट लैंग्वेज,
इट इज़ ट्रू फॉर एन इक्वल टू एम प्लस वन, सो देयर फॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर. सो आई एम नॉट राइटिंग इन दैट टर्म बिकॉज यू नो यू यू लर्न इट इन क्लास 11. सो आई एम नॉट राइटिंग द लास्ट लैंग्वेज ना, वो आप मैंने समझा दिया है, वो आगे आप लिख लेंगे और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. जैसे ये जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें हम क्या चाह रहे हैं प्रूव करना, हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि ए बी टू पावर, यहाँ देखिएगा एन कहाँ पर है, ए टू पावर एन बी टू पावर एन. सो एक फोर एन इक्वल टू वन एंड फोर एन इक्वल टू एम, आई एम नॉट राइटिंग ऑल दिस ना, बस मैं एन इक्वल टू एम के लिए जो आने वाला है वो लिख लेता हूँ क्योंकि उसका मुझे क्या करना है, मुझे अप्लाई करना है. सो एम ना, एम लिख दे इसको एम, ये हो जाएगा ए टू पावर एम बी टू पावर एम. ओके सी, मैं क्या करता हूँ कि जो मुझे प्रूव करना है वो लिख लेता हूँ. क्या करना है प्रूव, क्या करना है, ए बी पावर में आ जाएगा एम प्लस वन, यहाँ क्या होगा ए, हियर यू हैव एम प्लस वन बी एम प्लस वन, ये प्रूव करना है. ओके लेट अस स्टार्ट लेफ्ट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड को डियर स्टूडेंट्स क्या ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना भाई, एम प्लस वन है, एम को अलग कर दिया, वन को अलग कर दिया, क्या फर्क पड़ता है. अब ये किसी चीज के इक्वल है क्या, हाँ अभी तो हमने लिखा कि ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है ए टू पावर एम बी टू पावर एम के. अब ये ए बी किसके इक्वल है, ये इक्वल है बी इंटू ए के, यानी ये हो गया ए बी टू पावर एम प्लस वन इंटू ए. अब जरा यहाँ चले आइए इस स्टेप में, क्योंकि ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, यानी ए बी टू पावर अगर एन होगा या बी टू पावर एन प्लस वन होगा तो उनके प्लेसेस को हम लोग चेंज कर सकते हैं. मैं वापस यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. सी ए टू पावर बी एन है ना, क्योंकि ये हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है तो ये एन प्लस वन के लिए भी तो ट्रू होना चाहिए, और जब ये एन प्लस वन के लिए ट्रू होगा तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा. ये हमने अभी तो प्रूव किया, पहले हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ना, तो अगर हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है और क्योंकि ये फॉर एवरी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है तो एन की जगह एम हो, एम प्लस वन हो, क्या फ़र्क पड़ता है ना. ये इसका मतलब हम इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको ये मैंने एम छोड़ दिया भाई, है ना एम प्लस वन, है ना, और ये हो जाएगा ए एम इंटू ए. अब लिख दीजिए, यू विल गेट द आंसर बी टू पावर, हियर यू हैव एम प्लस वन, और यहाँ क्या हो गया ए एम प्लस वन. नहीं, यही तो प्रूव करना था, जो मुझे प्रूव करना था मैंने लिख दिया क्या, नहीं गड़बड़ हो गया, गड़बड़ कर रहा है क्या, पोजीशन चेंज हो गई भाई, है ना, क्या हो गया, द मेन इज मेन पॉइंट इज कि पोजीशन चेंज हो गया. ओके ओके पोजीशन चेंज हो गया तो हमें क्या करना चाहिए था, हमने जो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या की है, हमने ध्यान नहीं दिया कि पोजीशन अगर चेंज हो रहा है तो क्या करना चाहिए, मुझे उसकी पोजीशन के हिसाब से ना लिखना चाहिए था. तो मैं क्या करता हूँ, पोजीशन को ठीक करता हूँ. ओके ये जहाँ से गड़बड़ हुआ है ना वहीं से ठीक करेंगे, हमने जहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है. ओके लेट अस डू वन थिंग, इसको हटा लेते हैं और हम इसको दोबारा लिखेंगे. ओके थोड़े यहाँ के टर्म पहले ही ज़्यादा ही हट गए हैं, ये भी एम एक्स्ट्रा आ रही है ना. ओके लेट मी कम, ओके क्या था ये, मैं उस पोजीशन को दोबारा लिखने जा रहा हूँ, ए टू पावर एम और ये हमने बी टू पावर एम और इसको लिखा हमने बी ए, ये लिखा था हमने यहाँ तक ठीक है चलो. फिर हम लिखा ए टू पावर एम बी टू पावर एम प्लस वन इंटू ए. ओके यहाँ तक ठीक है ना. अब ये बी टू पावर एन प्लस वन ए, ये रहा, इसकी जगह पर क्या लिखना चाहिए मुझे, मुझे लिखना चाहिए ए टू पावर एम ए बी टू पावर एम प्लस वन, यानी समझे क्या,
पिछले में क्या क्या था, हम इस साइड से ये साइड लिख रहे थे, नहीं अब हम इस साइड से ये साइड लिख रहे हैं, ठीक हो गया ये अपने आप ही। सो इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ना, अगर आपको चीज़ें समझ में है तो ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, इजिली सॉल्व किए जा सकते हैं। ओके सिर्फ अगर एक हमें, जैसे हम आंसर तक पहुंचे, हमने देखा नहीं, हमारे आंसर से मैच नहीं कर रहा, क्यों नहीं मैच कर रहा है, हमारी पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है, तो जहाँ से पोजीशन चेंज हुई थी हमने वापस पोजीशन को चेंज कर लिया। पोजीशन चेंज करने से मेरा मतलब है कि पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड की जगह राइट हैंड से लिखा था, अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि राइट हैंड साइड की जगह हम लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं। सो नाउ इट इज़ ट्रू फॉर एन इक्वल टू एम प्लस वन, अब ये एन इक्वल टू एम प्लस वन के लिए ट्रू है, सो देयर फॉर इट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, बाय प्रिंसिपल ऑफ मेथड इटरेशन ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, सो हेंस द रिजल्ट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। सी अगेन, ये कुछ क्वेश्चन नंबर 12 है, थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का था, लेकिन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इजी है ना, न्यूमेरिकल टाइप का है, सिंपल कैलकुलेशंस है ना, सिर्फ आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, तो सॉल्व कर दिया जाए क्या, है ना। क्या करते हैं कि स्क्रीन पे मैं ज़रा क्वेश्चन को ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 में था, ए है 3 1 एंड माइनस का 4 माइनस का 1, प्रूव करना है कि ए टू पावर एन जो है वो 1 प्लस 2 एन एन माइनस का 4 एन एन 1 माइनस 2 एन ये। ओके सो क्या करें, एन इक्वल टू 1 के लिए शुरू कर देते हैं, 4 एन इक्वल टू 1, सो ए टू पावर 1 हो जाएगा, 1 जब पुट करोगे क्या आएगा, 3 1 माइनस का 4 माइनस का। क्या करना है, एम के लिए थोड़ा शॉर्टकट जा रहे हैं, एन इक्वल टू एम के लिए ट्रू एज्यूम करेंगे। आई एम नॉट राइटिंग द लैंग्वेज, क्योंकि नाउ यू नो द मेथड ना, अभी आपने 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं, अच्छे से कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ये तो हमारा सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला नहीं, ये हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सी क्या करना है मुझे, मैं वो लिख लेता हूँ, मुझे अब प्रूव करना है ए टू पावर एम प्लस वन, और ए टू पावर एम प्लस वन को मुझे शो कर देना है, यहाँ देखो, अब इस एम की जगह जब एम प्लस वन पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 इंटू एम प्लस 1, सो एक्चुअली 2 एम प्लस 1 3 बन जाएगा, ये हो जाएगा एम प्लस वन, यहाँ माइनस का 4 इंटू एम प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू एम प्लस 1, है ना। ये मुझे क्या करना है, शो करना है, यानी हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जब लेफ्ट हैंड साइड में ए पावर एम इंटू ए लिखेंगे, अब ए पावर एम क्या है, 1 प्लस 2 एन एन माइनस का 4 एन 1 माइनस 2 एन, और ए क्या है, 3 1 माइनस 4 माइनस 9। अब एक चीज़ बताइए क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता है ना, हमने लर्न कर लिया, हमने पिछले एक्सरसाइज में बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन किए हैं, तो हम इसको भी आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे। सो आई एम लीविंग दिस मल्टीप्लिकेशन फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लिकेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मल्टीप्लाई करिए, एम इक्वल आपको जब मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली क्या होगा, ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही आंसर मिल जाएगा तो आप लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे फिर कि हेंस इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू एम प्लस वन, सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मेथड इटरेशन इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, हेंस दैट। ओके सो ये 4 क्वेश्चन, हमारी जो मिसलिनियस एक्सरसाइज थी, उस मिसलिनियस एक्सरसाइज में जो 4 क्वेश्चन थे आउट ऑफ 15 क्वेश्चन, ये इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन बेस्ड था। तो हमने क्या किया, आज हम लोगों ने पहले जो एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 की मिसलिनियस एक्सरसाइज का 4 क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी मिसलिनियस एक्सरसाइज के जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखना है ना, एक चीज़ सिंपली ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो एज फार एज योर एनसीईआरटी बुक इज कंसर्न, मिसलिनियस एक्सरसाइज आर वेरी गुड एक्सरसाइज, उसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं, बल्कि आप जिन किताबों को भी पढ़ते हैं ना, आप जो भी +2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सी बेसिक, हम फर्स्ट बुक हमारी एनसीईआरटी, सेकंड बुक हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एंड देन थर्ड बुक
थर्ड बुक मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आर डी शर्मा ही लीजिए या के सी सिन्हा लीजिए, आर एस अग्रवाल लीजिए। हाँ, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन हैं, जिसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जिसमें ज़्यादा एग्जाम्पल्स दिए हैं, ऐसी एक बिग बुक चूज़ कर लेंगे तो हम सी बी एस ई की प्रिपरेशन कर लेंगे। लेकिन फिर हमें उससे जब आगे जाना है तो हमें जेई भी, अगर हम जेई भी साथ निकालना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली मेरे पास क्या होना चाहिए, क्योंकि मुझे जब इतना समय कर लूँगा तो मैंने आर डी शर्मा की बुक ले लिया, एग्जाम्पलर पढ़ लिया, एन सी आर टी कर लिया, तो वैसे भी मेन्स के लाइक बन जाएंगे, है ना। मेन्स में इतने इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, एडवांस के लिए मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन चाहिए होगी, वहाँ पर मेरी प्रिपरेशन और होनी चाहिए। तो क्या करेंगे हम, सिंपल उसमें उस समय पर मेंस के लिए मुझे ऑब्जेक्टिव टाइप की एक बुक चाहिए जिसमें जेई टाइप के क्वेश्चंस हो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करिए, और मेरे साथ आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करिए, जेई मेंस की प्रिपरेशन करिए। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।